साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज के अखबार में एक बहुत ही मायूसी निराशाजनक खबर आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के लिए एग्जाम से संबंधित। इसमें पहले खबर पढ़ लेते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट, ये अहमदाबाद की कंपनी है, अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में, हुई ब्लैकलिस्ट। एसटीएफ को मिले कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण, नहीं पेश हो रहा निदेशक, मतलब कंपनी का जो डायरेक्टर होता है। आगे इसमें आप देखोगे तो इसमें खबर में क्या लिखा हुआ है वो एक बार आप पढ़ें। ये अशोक मिश्रा जी करके जो संवाददाता, उन्होंने खबर लिखी है लखनऊ से। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इनकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट का प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी है। गौरतलब है कि एजू टेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज कराने तलब कर चुके, लेकिन वह पेश नहीं हो रहा है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद वह अमेरिका चला गया था, इसके बाद से लौटा नहीं है। सूत्रों की माने तो यदि संचालक ने लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय आकर बयान दर्ज नहीं कराया तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल एसटीएफ को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण मिले। पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसी आधार मिले पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसी आधार पर बीते 4 माह में विनीत आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वह पेपर लीक कराने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा के आधार पर एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश की तलाश भी तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक सुभाष प्रकाश, राजीव नयन, रवि अत्रियादी का संगठित ग्रुप है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं है। अहमदाबाद में टीसीआई एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस से सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के मिली भगत से वेयरहाउस में सेंध लगाई गई थी। पेपर का बॉक्स खोलने के लिए बिहार से डॉक्टर शिवम मंडल को 2 बार बुलाया गया था। हालांकि एसटीएफ को ट्रांसपोर्ट कंपनी की पेपर लीक में संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। जांच में सामने आया कि पेपर की सुरक्षा का जुम्मा एजू टेस्ट कंपनी को ही संभालना था, जिसमें वह नाकाम रही है। अब जिसके गोदाम से लीक हुआ उस कंपनी का हाथ नहीं है, जिसको संभालना था उसका हाथ है, किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, एसटीएफ जाने, भर्ती बोर्ड जाने। भर्ती बोर्ड अखबार वालों को बता रहा है कि भाई हमने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी। लेकिन ये जो 48 लाख बच्चे, और इन बच्चों की वजह से ही जो मन में क्रोध है कि पेपर इतने लीक हो रहे हैं, हमारा एग्जाम नहीं है, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या बोलूं, मतलब मैं नंब हो गया। नंब मतलब होते ना कि कुछ, जब आदमी के पास ना कुछ सोचने समझने की शक्ति छीण हो जाती है। तो मुझे सुबह से जब से मैंने खबर देखी है, मतलब भाई 6 साल तो ऑलरेडी इंतजार हो गया इस भर्ती के लिए, अब अगर ये अभी भी इसमें टाइम लगेगा तो फिर तो ये कब भर्ती होगी? ये टेंडर तो 2022 से भी खेला जा रहा है, 2021 से, याद नहीं 2021 दिसंबर में पहली बार टेंडर का आया था, 2021-20 से टेंडर खेला जा रहा है, तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। अरे कम से कम भर्ती बोर्ड क्लियर तो करें इन बच्चों को, कुछ तो इनको आगे दें कि भाई हम करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, कराएंगे तो कब तक करा पाएंगे, क्या आगे है, कुछ तो एक बात बोले। कहते ना कि कम से कम कोई मरीज अस्पताल में बिल्कुल अपने अंतिम समय पर होता है, बहुत ही बीमार हालत में आप हॉस्पिटल पहुंचो, डॉक्टर की एक बात पे आप मतलब जीवन क्या सा आ जाता है कि आप जी जाओगे, मैं आपका इलाज करूंगा अच्छा सा, मतलब एक मृत सैया पर भी आदमी, डॉक्टर उसमें थोड़ा सा जान डाल देता है, वैसे बच्चे हैं भी, इनकी हालत भी बीमार जैसी है, ना कुछ समय से इनके पास कुछ है, ना इनको अपने जीवन में आगे, जिसके जवानी के 5-7 साल के भी इंतजार में लग गए हो, उसके पास क्या होगा कि वो कुछ अपने लिए सोच पाएगा। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि जो भर्ती बोर्ड है, मतलब कम से कम इतना तो भर्ती बोर्ड को सोचना चाहिए कि उन बच्चों का तो कम से कम 48-45 लाख का सोचे, कि कोई तो कम से कम अपनी तरफ से कोई बयान दे, अपनी तरफ से कुछ तो करे। और तुम ये सोच रहे हो ना जी अभी तो और टाइम मिल गया, तो बेटा ऐसा टाइम तो मिलता ही रहा ना बार बार, तो ऐसा टाइम तो 2047 तक मिल जाएगा।
तुम्हारे रिटायरमेंट की एज तक टाइम ही लेते रहो ना तैयारी का। कोई फर्ज है आपके घर वालों के प्रति, उनकी भी कोई आशाएं, वो भी कोई वेट कर रहे हैं। तुम्हारी खुद की एक उम्र होती है नौकरी करने की, बुढ़ापे में थोड़ी ना नौकरी करनी होती है, जवानी को संभालने के लिए तो नौकरी करनी होती है। इतना ऐसा नहीं है कि नहीं करवा पाएंगे, या दुनिया में कोई और एग्जाम नहीं होते। यूपीएससी ने पिछले 6 महीने में 4-5-6 एग्जाम करवा दिए होंगे। यूपीएससी का करवाया, अभी आईएसपीसीएस का, वो तो पूरे भारत में करवाया, इनसे यूपी में नहीं कराया जा रहा केवल। उससे पहले सीडीएस एनडीए करवाया, कहीं कोई लीक का खबर सुनी आपने? नियत समझ रहे हो, लग जाए अच्छे से, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए। मैं कह रहा हूं कभी कर, अरे यार कम से कम बता तो दो, इन बच्चों को क्या बोले हम, जैसे भी क्या कहें, कब तक इनको कहें करते रहो करते रहो, मतलब कोई लिमिट होती है ना किसी चीज की। तो मेरी समझ में तो आ नहीं रहा कि मैं तुम्हें क्या सांत्वना दूं, क्या बोलूं। तो जून के एंड या जुलाई में सोच के बिल्कुल एकदम बैठे हैं, लेकिन आज ही बिल्कुल अजीब ही चीज समझ में आ रही है। तो मैं आपसे इसके, देखो हमारे पास कुछ ज्यादा रास्ते तो है नहीं, हम एक रास्ता चुन सकते हैं कि हम दोबारा से अपने एमपी एमएलए इत्यादि के पास जाएं।